कोरोना वायरस संक्रमण से उभरने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अब फ्रंट पर आ गए हैं। लखनऊ में शुक्रवार को वर्चुअल बैठक के स्थान पर अपने सरकारी आवास पर अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से स्थलीय निरीक्षण करने मैदान में उतर गए हैं। इसी क्रम में शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। लखनऊ में शनिवार को टीम 9 के साथ समीक्षा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद और बरेली के दौरे पर प्रस्थान किया। मुरादाबाद में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मनोहरपुर गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां होम आइसोलेशन वाले कोरोना संक्रमित परिवार के अलावा ग्रामीणों से कोरोना को बचाव को लेकर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इसके बाद सर्किट हाउस पहुंचकर पत्रकारों से वार्ता के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण को इस सदी की बड़ी महामारी बताते हुए कहा कि जब सब मिलकर काम करते हैं तो महामारी घुटने टेक देती है। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर काम किया। पिछले 8 दिन में अकेले उत्तर प्रदेश में ही 65,000 सक्रिय केस कम हुए हैं। इतना ही नहीं, मुरादाबाद मंडल में 3500 एक्टिव केस कम हुए हैं। हम इस बात को जरूर ध्यान दें कि अगर किसी को फीवर है तो वह उस दिन वैक्सीन न ले। तीसरा, जिन्हें तत्काल कोविड हुआ है और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है तो कम से कम 1 महीने के बाद ही वे वैक्सीन लेने के लिए जाएं। चौथा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं, भीड़ न लगाएं। वैक्सीन कीमती है और हर एक व्यक्ति तक पहुंच जाए, इसके लिए हर एक सेंटर में उतने ही लोगों को बुलाने के लिए कहा जा रहा है जितने लोगों को आप उतनी वैक्सीन दे सकें और हम जीरो वेस्टेज पर पहुँच सकें। और मुरादाबाद जनपद में सोमवार से 18 प्लस के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध होगा, यानी 18 से लेकर के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन की कार्रवाई यहां पर प्रारंभ हो जाएगी और इसके बाद सफलतापूर्वक इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए शेष अन्य जनपदों को भी हम इसी क्रम में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में मेरा आप सबसे भी आग्रह होगा कि हम लोगों को जितना जागरूक कर सकें, जितना, क्योंकि ये महामारी है, उपचार से महत्वपूर्ण बचाव और बचाव के उपायों के बारे में जितना जागरूक कर पाएंगे उतना ही अधिक हम लोगों को सकुशल रखने में सफल हो पाएंगे और न केवल व्यक्ति के जीवन को बल्कि उसकी जीविका को भी बचाने का कार्य करने में सफल हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी।